हेलो दोस्तों, वेलकम टू जागरण जोश। मैं हूं निधि मित्तल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट रैली के बारे में। दोस्तों, आपको जाना है JagranJosh.com की वेबसाइट पर और वहां दिए राइट हैंड साइड पे दिए सर्च बटन पर क्लिक करके टाइप करना है इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट रैली। ये आपको लेकर जाएगा इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट रैली के पेज पर, जहाँ पर आपको इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट रैली 2020 का नोटिफिकेशन मिलेगा। आप अगर उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आर्टिकल ओपन हो जाएगा। अगर आप इस आर्टिकल को देखेंगे, हाल ही में इंडियन आर्मी ने सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी, सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए इंडियन आर्मी एक रिक्रूटमेंट रैली करने वाली है बिहार मिलिट्री पुलिस 3 ग्राउंड BMP 3 बोधगया में, जो कि 4 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक कंडक्ट की जाएगी। इस रिक्रूटमेंट रैली के लिए अरवाल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लेखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास, सिखपुरा के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप इन वैकेंसियों के लिए 19 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। 6 दिसंबर को इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू किया गया था। तो दोस्तों, आप अगर चाहते हैं इन वैकेंसियों पर अप्लाई करना, तो आप 19 जनवरी से पहले इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। दोस्तों, इन वैकेंसियों के लिए इंडियन आर्मी 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच एडमिट कार्ड जारी करेगा। आप उस बीच अपना वेन्यू और एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं। अगर आप इस आर्टिकल को नीचे की ओर देखेंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, जिसमें स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन दी गई है, जो कि 6 दिसंबर से चालू हुआ था। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 19 जनवरी 2020 की है और जो इसकी रैली होने वाली है वो 4 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक होगी। जो वहीं जो एडमिट कार्ड है 21 से 31 के बीच में जारी किया जाएगा। अगर आप इस आर्टिकल को देखेंगे तो आप इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना, तो ज़रूरी है कि आपने 10th 45% मार्क्स के साथ पास किया हो। वहीं सोल्जर टेक्निकल के लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपने 12th साइंस के साथ पास किया हो। और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपने 12th पास किया हो साइंस से, जो कि स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए आपकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश में, कम से कम 50% अंकों के साथ। और इसी तरह सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल के लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपने 12th इंटरमीडिएट पास किया हो 60% अंकों के साथ। सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपने 10th पास की हो। सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 8 पास होने चाहिए। जहां तक एज लिमिट की बात है, इन वैकेंसियों पर 17.5 से लेकर 23 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बस सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 21 साल होनी चाहिए। जहाँ तक सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात है, इन वैकेंसियों पर एक कॉमन टेस्ट लिया जाएगा, जिसके लिए आपको एडमिट कार्ड जनवरी और फरवरी के बीच में दिया जाएगा। ऊपर मैंने आपको डेट बता दी है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन के पीडीएफ को भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। आपको करना क्या है, बस इस आर्टिकल में जो हाइपरलिंक दिया है उस पर क्लिक करना है और फिर आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। आप इस पीडीएफ के जरिए सभी इसेंशियल डिटेल्स ले सकते हैं और चाहें तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। आपको बस इस रेड मार्क पर दिए हुए साइन पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस इस लिंक पर क्लिक करना है तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको राइट हैंड साइड की तरफ JCO और अप्लाई लॉगिन का ये बटन मिलेगा। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको लेकर जाएगा लॉगिन पेज पर, और इस लॉगिन पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। आपको ये लेकर जाएगा इंस्ट्रक्शन पेज पर, जहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद आपको ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लेकर जाएगा पर्सनल डिटेल्स के पेज पर, जहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है और सबमिट करके अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करना है। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और डाउनलोड करें सरकारी नौकरी ऐप। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए देखते रहें www.jagranjosh.com।